नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रांचल सिंह, संचालक बालाजी क्लासेस एंड देव फाउंडेशन। आज मैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि अपने बच्चों के लिए मैं कुछ लेके आया हूं और उसी पे हम बात करेंगे। आज हमें सबको पता है कि हमारा देश एक ऐसी स्थिति में है कि ना हम कुछ कर पा रहे हैं ना कहीं जा पा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है, और इससे निपटने के लिए हम सब एकजुट होके अपने राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री जी का सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज कई जिस बीमारी की चपेट में है कोरोना वायरस, तो ये जो शारीरिक रूप से तो आपको कमजोर बना रहा है, उससे निपटने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं या जो सावधानियां बताई जा रही हैं वही हम लोगों को बरतना है और घर पे ही रहना है। लेकिन समस्या ये नहीं है, असली सवाल यह है कि कोरोना वायरस को अपने शरीर में जाने से रोका जा सके। वो तो जो सावधानियां दी गई हैं वो तो सही है, लेकिन इसको अपने मस्तिष्क या माइंड में जाने से कैसे रोके। माइंड में जाने का मतलब मेरा भावनाओं से है, ना कि शारीरिक रूप से, क्योंकि आजकल जहां भी देख रहे हो वही न्यूज, मतलब कि मानसिक रूप से हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज ये बैठ गई है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं। और ये आपको पता है कि अगर किसी जंग को जीतना है हमें, तो सबसे पहले हमें मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, उसके बाद में हम शारीरिक रूप से अपना परिश्रम कर सकते हैं। अब बात आती है शारीरिक सहयोग की, तो वो हम लोग कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, राष्ट्र हित में लगे हुए हैं, जो ये क्रांति चल रही है इसमें सहयोग दे रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग कैसे तैयार। अब मानसिक रूप से तैयार होने का मतलब अगर उसी बात को आप दिमाग में लेके चलोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, कि कोरोना वायरस है उसका इलाज नहीं है हम लोग कैसे बचने वाले। बल्कि मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उसको हटा किसी दूसरे पहलू में सोचे। दूसरे पहलू का मतलब, जैसे आप घर पे रह रहे हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़िए, उससे ज्ञान अर्जित करिए, आप अच्छे वीडियोस देखिए, आप कोई आदत डेवलप कीजिए। जैसे मैं स्टूडेंट के लिए स्पेशली कहना चाहूंगा कि हम लोग पढ़ते हैं माइंड सेट के बारे में, माइंड का क्या सिस्टम होता है, कि माइंड के लिए एक बात बोली जाती है कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, मतलब जैसा हम माइंड में लाएंगे वैसा ही हमारे माइंड से निकलेगा। गार्बेज इनका मतलब अगर हम कचड़ा दिमाग में भरेंगे तो वैसा ही हमारे विचार निकलेंगे, वैसे ही कचड़े नुमा विचार निकलेंगे। So, आप क्या करें, जैसे माइंड के लिए एक ये भी बोला जाता है कि किसी काम को आप निरंतर 20 या 25 दिन करते हैं तो वो आपके आदत में आ जाता है। तो ये आपका राष्ट्रीय सहयोग करने में और स्वयं के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा अवसर है आपका। क्यों, आप कहीं जा नहीं सकते क्योंकि राष्ट्र समर्थन में है आप। अब इसमें क्या है कि घर पे बैठ के मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप अपने वीक पॉइंट को अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, सेल्फ स्टडी करें, और एक आदत बना ले कि हमको इतने रूटीन तक या इतने घंटे अपने टारगेट को पूरा करना है या इतना पढ़ना है। इससे क्या होगा भाई, मजबूरी है आपके पास, जब कोई काम नहीं है तो आप क्या करोगे, पढ़ने के लिए सोचोगे। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट मोमेंट है आपको दोहरी जीत पाने का। दोहरी जीत पाने का मतलब समझ रहे हो आप, एक तो आप कोरोना वायरस से बचे हुए हो राष्ट्र के सहयोग में, दूसरा आप इस पढ़ाई की आदत को अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा है। अभी ये जब समस्या हटती है तब आप अपने आप को बेहतर पाओगे, और ज्यादा अगर आपका मन ज्यादा वो हो रहा है, पढ़ाई में ज्यादा नहीं लग रहा है, 3-4 घंटे पढ़ते हैं आप ऊब जाते हैं, तो कोई अच्छी बुक ले लीजिए, आप अच्छे वीडियोस देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि वही है कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट वाला मैटर, जितना ज्यादा आप अच्छा अपने दिमाग में ले जाओगे उतने ही ज्यादा अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि हमें शारीरिक रूप से तो जीतना ही है इस लड़ाई से, और मानसिक रूप से जीतना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते होंगे कि जब हम लोग मानसिक तरीके से अगर संतुलित नहीं होते तो किसी भी चीज का सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, या अपना 100% जिसको आप बोलते हैं नहीं दे पाते। सो मैं सभी विद्यार्थियों से और अपने भाइयों से, या जो मेरे भाई जुड़े हुए हैं उनसे, उनसे अपील करना चाहूंगा कि शारीरिक रूप से जीतने में राष्ट्र के हित में आइए, आप सहयोग करिए, और मानसिक रूप से जीतने में भी आप सक्षम होइए, और आप एक ऐसी आदत का डेवलप करिए जो आपके लिए आगे चल के यूजफुल होने वाली।
ये विद्यार्थियों के लिए तो ये है कि पढ़ाई की आदत डाल सकते हैं, और भी जो बिजनेसमैन है वो आप बिजनेस स्किल के बारे में सोचे, आगे कैसे डेवलप करना है, क्या करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, सुबह उठने की आदत बना लेना, तमाम चीजें हैं। क्योंकि अभी आप क्या है कि फ्री टाइम में बैठे हुए हो, तो ये सबसे अच्छा अवसर है आपका। जैसे लैंग्वेज सीखने के लिए, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते तो इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करें, बहुत सी चीजें हैं अगर आप जब सोचोगे, क्योंकि घर में पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। बाहर जा नहीं सकते आप, क्योंकि बाहर जाना आप समझ रहे हो राष्ट्र के विरोध में जाना हो, ऐसा किसी नागरिक से उम्मीद नहीं की जा सकती जो भारत देश के अंदर रह रहा है। और हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप मानसिक रूप से भी तैयार, शारीरिक रूप से लड़ने के लिए हमारा देश लगा हुआ है, हमारे देश के सभी भाई बहन लगे हुए हैं, और मैं उन सभी को सलाम करता हूं जो डॉक्टर्स हमारे लगे हुए हैं, जो पुलिस बल लगा हुआ है, जो आर्मीज लगी हुई है, या जो बेटे बेटियां हमारे भाई बड़े भाई छोटे बहन जो लगे हुए हैं सब, तो उनको सलाम करता हूं। क्योंकि एक ऐसी स्थिति में जब लोगों को घर से निकलना के लिए रोका गया, वो अपनी जान पे खेल कर आपके सहयोग में लगे हुए हैं, तो विद्यार्थियों के लिए मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करें, एक टारगेट बनाएं, टाइम टेबल बनाएं जब तक ये बंद चल रहा है, और उसी टाइम टेबल को आप फॉलो करें। दिन में आप ज्यादा नहीं, 4 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए, 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, वो अपने ऊपर होता है कितना आप ज्यादा कर पाए। और इससे क्या होगा, आप अभी आदत बना लोगे तो बाद में स्टे मोटिवेट बने रहोगे, तब आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से अपने काम को निरंतर बिल्कुल सुचारू रूप से कर। सो आपसे फिर से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस लड़ाई में हमें मानसिक रूप से भी जीतना है। और अपने विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मंजिल खुद में खुद मिल जाएगी, मंजिल खुद में खुद मिल जाएगी, यदि कुछ पाने की चाह हो, मंजिल उनको क्या मिलेगी जो खुद ही गुमराह हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं संचालक बालाजी क्लासेस एंड देव फाउंडेशन की तरफ से आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।